हेलो एवरीवन, हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग रेलवे स्पीडी जीके के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 11 में हम लोग 2004 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज इसका पार्ट 12 वीडियो है। आज हम लोग 2004 के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो सीरीज आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी और NTPC एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो सीरीज एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपका GK बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग RRB गोरखपुर 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसे फर्स्ट है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है कितना? तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्य उपज क्या है? तो प्राकृतिक रबड़ दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्य उपज है। नेक्स्ट है, भारत में गुजरात राज्य का समुद्र तट पर सबसे लंबा है क्या? तो भारत में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती कहाँ? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। नेक्स्ट है, बोरोबुदुर का मंदिर जावा में अवस्थित है कहाँ? तो बोरोबुदुर का मंदिर जावा में स्थित है। नेक्स्ट है, अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की थी किसने? तो अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है कौन है? तो भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट है, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती कौन सी? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, नेट वेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित किसे? तो नेट वेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है कहाँ? तो समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है, बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है कहाँ? तो बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, पांडव वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था कहाँ था? तो पांडव वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। नेक्स्ट है, सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है? तो सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी कहाँ? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी किसने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है, सीमो चार्ट का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस में होता है किसमें? तो सीमो चार्ट का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस में होता है। अब हम लोग RRB महेंद्रू घाट में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, गुलीवर्स ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट कौन है? तो गुलीवर्स ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट थे। नेक्स्ट है, बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना जमालपुर में कहाँ है? तो बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना जमालपुर में है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश कौन है? तो सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है कौन? तो लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था कब? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, पहले तक्षशिला था। नेक्स्ट है, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया था कहाँ? तो विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया था कब? 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष कितना है? तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट है, बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है किसको? तो बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। नेक्स्ट है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट है, समुद्र में पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड का होना क्या है? तो समुद्र के पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड का होना है। नेक्स्ट है, पोर्सेलेन विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना क्या है? तो पोर्सेलेन विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबा का प्रयोग किया जाता है किसका? तांबा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है किसका? तो पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड टाइम सामान्य टाइम प्लस अलाउड के बराबर होता है किसके? तो स्टैंडर्ड टाइम सामान्य टाइम प्लस अलाउस टाइम के बराबर होता है।
अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था किससे था, तो अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था। नेक्स्ट है प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी कौन थी, तो प्रथम महिला मुस्लिम रजिया शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है पलवों की राजधानी कांचीपुरम थी कहाँ थी, तो पलवों की राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है पंडित शिव शंकर कुमार शर्मा एक संतूर वादक है कौन है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक है। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया किसने, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। नेक्स्ट है रेक्टिफायर यंत्र एसी को डीसी में बदलता है किसमें, तो रेक्टिफायर यंत्र एसी को डीसी में बदलता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है क्या है, तो विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालमिन है। नेक्स्ट है विटामिन B12 का नाम रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है क्या है, साइनोकोबालमिन है। नेक्स्ट है केवला देवघाना पश्चिम बिहार भरतपुर राजस्थान में कहाँ है, तो केवला देवघाना पश्चिम बिहार भरतपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबद्दीन ऐबक ने बनवाया किसने, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबद्दीन ऐबक ने बनवाया। नेक्स्ट है अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था किसने, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट है सबसे अधिक मक्का कर्नाटक में होता है कहाँ, तो सबसे अधिक मक्का कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है क्या, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं कितना, तो वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट की राजधानी मानिकखेट थी कहाँ थी, तो मानिकखेट थी। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध शाक्य के कुल के थे किसके, तो भगवान बुद्ध शाक्य के कुल के थे। नेक्स्ट है बर्नौली के सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है किसको, तो बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। नेक्स्ट है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के फांसी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था कौन था, तो भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट है कैपिलरिटी ससंजन एवं असंजन के कारण होता है किसके कारण, तो कैपिलरिटी ससंजन एवं असंजन के कारण होती है। अब हम लोग आरआरबी मेहंद्रू घाट में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था कब, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है किसको, तो अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट धर्म के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग थे कौन, तो प्रोटेस्ट धर्म के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग थे। नेक्स्ट है कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे किसके, तो कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था कब, तो संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था किसने, तो कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 172 देशों ने भाग लिया कितना, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 172 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी है क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी है। नेक्स्ट है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कितना, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट है भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था किसने, तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट है बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है किस कमी से, तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म 1469 को तलवंडी ग्राम में हुआ था कहाँ, तो गुरु नानक का जन्म 1469 को तलवंडी पेशावर ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कौन, तो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है किस कारण, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट है दंड संहिता धारा 302 हत्या से संबंधित किससे, तो दंड संहिता धारा 302 हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था कब, तो राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को संसद सदस्य मनोनीत कर सकता है। अब हम लोग मुगल शासक एवं उसके शासनकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लोग जानेंगे कि कौन कौन से मुगल शासक का शासनकाल कितना वर्ष तक था। यहाँ पर एक साइड शासक का नाम दिया हुआ है, यहाँ दूसरी साइड उसका शासनकाल वर्ष बताया गया है। इसमें फर्स्ट है बाबर, तो बाबर का शासनकाल था 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। नेक्स्ट है
हुमायूं, तो हुमायूं का शासनकाल था 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। नेक्स्ट अकबर, तो अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। नेक्स्ट है जहांगीर, तो जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 तक। नेक्स्ट जहाँ शाहजहाँ, तो शाहजहाँ का शासनकाल था 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक। नेक्स्ट औरंगजेब, तो औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। नेक्स्ट है बहादुर शाह प्रथम, तो बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल था 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक। नेक्स्ट है जहांदार शाह, तो जहांदार शाह का शासनकाल था 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक। नेक्स्ट है फरूख सीयर, तो इसका शासनकाल था 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। नेक्स्ट अहमद शाह, तो अहमद शाह का शासनकाल था 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय का शासनकाल था 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। नेक्स्ट है अकबर द्वितीय, तो अकबर द्वितीय का शासनकाल था 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर और द्वितीय, तो इसका शासनकाल था 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। अब हम लोग प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या है। इसमें फर्स्ट अशोक चक्र, तो अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट चांद तारा, तो चांद तारा तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट वाटर लिली, तो वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट मैपल लीफ, तो मैपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट है सफ़ेद लिली, तो सफ़ेद लिली इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट ईगल, तो ईगल स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट है गोल्डन रॉक, तो गोल्डन रॉक अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट है गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट है कीवी, तो कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट लीली, तो लीली फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट है बैटल, तो बैटल ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट है गुलदाउदी, तो गुलदाउदी जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट है सेमरॉक, तो सेमरॉक आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट है कॉर्नफ्लावर, तो कॉर्नफ्लावर जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट गुलाब फूल, तो गुलाब फूल ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट समुद्र तट, तो समुद्र तट डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है। अब हम लोग प्रमुख सिख गुरु एवं उसके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कौन से सिख गुरु का ने क्या कार्य किया था। यहाँ पे एक साइड सिख गुरु का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरे उसका कार्य के बारे में बताया गया है। इसमें पहला गुरु नानक देव, तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी क्या, तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट गुरु अंगद, तो गुरु अंगद ने गुरु लिपि, लिपि का शुरुआत किया था किसका, तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की। नेक्स्ट गुरु रामदास, तो गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, क्या किया था, अमृतसर नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, क्या किया था, आदि ग्रंथ का संकलन किया था। नेक्स्ट गुरु अर्जुन देव, फिर गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, क्या करा था, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट गुरु हरगोविंद, तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, किसका, अकाल तख्त की स्थापना की थी। नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, किसका, खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब हम लोग प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खाडागोवालसा में है, कहाँ, खाडवालसा में है। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस कॉलेज, तो नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में, कहाँ, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है। नेक्स्ट एयरफोर्स अकेडमी, तो एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में, कहाँ, हैदराबाद में। नेक्स्ट इंडियन नेवल अकेडमी, तो इंडियन नेवल अकेडमी कोचीन में, कहाँ, कोचीन में। नेक्स्ट एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, तो या कोयम्बटूर में, कहाँ, कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, तो या वेलिंगटन में, कहाँ, वेलिंगटन में है। अब हम लोग वेद, उनके ब्राह्मण और उपवेद के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ एक साइड वेद का नाम दिया हुआ है और वहाँ वेदों में के ब्राह्मण का नाम दिया हुआ और यहाँ उपवेद का नाम दिया। फर्स्ट इसमें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण थे ऐतरेय एवं कौशित की, और इसमें इसके उपवेद था आयुर्वेद। नेक्स्ट है वेद है यजुर्वेद, तो आयुर्वेद वेद के ब्राह्मण थे सतपत और इसका उपवेद था धनुर्वेद। नेक्स्ट वेद है सामवेद, तो सामवेद के ब्राह्मण थे पंचविश और इसके उपवेद था गंधर्व वेद। फिर वेद नेक्स्ट वेद है अर्थवेद, तो अर्थवेद के ब्राह्मण थे गोपत और इसका उपवेद था शिल्पदेव, शिल्पवेद, कौन था, शिल्पवेद। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। फर्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध
हारोज के साथ लड़ा था। किसके साथ? तो हारोज के साथ। नेक्स्ट है वासुवत्ता संबंध की कृति किसका? तो वासुवत्ता संबंधों की कृति है। नेक्स्ट है पास्कल दाब का मात्रक होता है किसका? तो दाब पास्कल दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट है भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे कौन? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। नेक्स्ट है संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था कब? तो संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित किया था कहाँ? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिग्वेली थे कौन? थे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिग्वेली थे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को इरेटोस्थनीज ने मापी थी किसने? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को इरेटोस्थनीज ने मापी थी। नेक्स्ट है सवाना घास मैदान अफ्रीका में पाया जाता कहाँ? तो सवाना घास मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है किसके भांति? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है क्या है? तो संतोष ट्रॉफी एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है पलवों की राजधानी कांचीपुरम थी कहाँ? तो पलवों की राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया था किसने? तो दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया था। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय मुगल सम्राट बना था कौन? तो शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय मुगल सम्राट बना था। नेक्स्ट है तेल का सबसे बड़ा निर्यातक सऊदी अरब है कौन है? तो तेल का सबसे बड़ा निर्यातक सऊदी अरब है। नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था यूनेस्को है कौन है? तो शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था यूनेस्को है। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर का संबंध सितार से किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे किसके? तो अलाउद्दीन खुसरो अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है ल्यूकेमिया कहा जाता है। अब हम लोग RRB गोरखपुर में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है किस पर? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है गंगटोक सिक्किम प्रांत की राजधानी है किसका? तो गंगटोक सिक्किम प्रांत की राजधानी है। नेक्स्ट है अंतविंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है किसका? तो अंतविंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है कौन? तो साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है किसको? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है किसका? तो बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी कब? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 में मान्यता प्राप्त की गई कब? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 में राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था कहाँ? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। नेक्स्ट है अष्टीपल शब्द हॉर्स रेसिंग खेल से संबंधित है किससे? तो हॉर्स रेसिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था किसने? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है कब? तो विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः मीथेन ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है कौन सी? तो द्रवित पेट्रोलियम में मुख्यतः मीथेन ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। नेक्स्ट है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है कहाँ? तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है किसको? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन डेनिस टीटो है कौन है? तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन डेनिस टीटो है। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी किसका? तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय बैंकों का नाम भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। अब हम लोग RRB भोपाल में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल क्या है? तो रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। नेक्स्ट है संसार की सबसे ऊंची झील टिटिकाका है पर है कौन है? संसार की सबसे ऊंची झील टिटिकाका है जो एंडीज पर्वत पर है। नेक्स्ट है केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम है क्या? तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम है। नेक्स्ट है पटना स्थित गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था कब? तो पटना स्थित गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट है धुंध, कोहरा और धुआं का संयोजन है किसका, तो धुंध कोहरा और धुआं का संयोजन है। नेक्स्ट है लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा कैसी, तो लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस का व्यापारिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या है, लाफिंग गैस का रासायनिक व्यापारिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। नेक्स्ट है विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, किसमें, जल में। नेक्स्ट है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी, किसमें, तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। नेक्स्ट है संकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है कौन, तो साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट है कांचीपुरम तमिलनाडु में अवस्थित है कहाँ, तो कांचीपुरम तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट है चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है क्या है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। नेक्स्ट है लिम्बा राम का संबंध तीरंदाजी से किससे, तो लिम्बा राम का संबंध तीरंदाजी से है। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था कब, 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नहर स्वेज नहर है कौन है, तो स्वेज नहर है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू ने किया था, किसने, मोतीलाल नेहरू ने, कब, 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था कौन था, तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम तथा लेम्बाडोर महासागरीय धाराएं क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम तथा लेम्बाडोर महासागरीय धाराएं हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, किसने, तो लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ज्वाला उदासीन होती कैसे होती है, तो गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ज्वाला उदासीन होती है। अब हम लोग RRB रांची में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रसंघ था कौन, तो विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रसंघ था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 51 थी, कितना थी, तो इसके सदस्य देशों की संख्या 51 थी। नेक्स्ट है टेकोमा रोग मानव शरीर के नेत्र को प्रभावित करता है किसको, तो टेकोमा रोग मानव शरीर के नेत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अशोक का संबंध मौर्य वंश से किससे, तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। नेक्स्ट है एलिस इन वंडरलैंड सोवियत कॉरल की रचना थे किसके, तो एलिस इन वंडरलैंड लेविस कारोल की रचना है। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था कहाँ, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1664 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने किया था, किसने, तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने। नेक्स्ट है मदुरई में मीनाक्षी देवी की मूर्ति अवस्थित है कहाँ, मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी देवी के मंदिर की देवी मूर्ति अवस्थित है। नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में कहाँ, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया कहाँ, तो 11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट है विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है कैसा, तो विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है चाय पार्टी 16 सितंबर नेक्स्ट है चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका में हुई थी, जिसके नायक सैमुअल एडम्स थे कौन थे, तो सैमुअल एडम्स थे। नेक्स्ट है राजा अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था कौन था, तो राजा अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से लागू है कब, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से लागू है। नेक्स्ट पृथ्वी की आकृति जियोड एवं लक्षवच गोलाभ में है क्या है, तो पृथ्वी की आकृति जियोड एवं लक्षवच गोलाभ में है। नेक्स्ट पृथ्वी की पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी कब, तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी। अब हम लोग प्रमुख रोग एवं उसके बचाव के टीके के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक साइड रोग का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड यहाँ उसे बचाव के टीके का नाम दिया हुआ है। पहला इसमें टीबी और तपेदिक, तो टीबी और तपेदिक रोग से बचाव का टीका है BCG, क्या है BCG। नेक्स्ट है डिप्टेरिया टेटनस, तो इस रोग से बचाव का टीका है DPT, क्या है DPT। नेक्स्ट है काली खांसी, तो काली खांसी से बचाव का टीका है DPT, क्या है DPT। नेक्स्ट है मम्प्स और खसरा, तो इस रोग से बचाव का टीका है मम्प्स वैक्सीन, क्या है मम्प्स वैक्सीन MMR। नेक्स्ट है पोलियो, तो पोलियो से बचाव का टीका है पोलियो टीका। नेक्स्ट है टाइफाइड, तो टाइफाइड से बचाव का टीका है TAB, क्या है TAB है। नेक्स्ट है छोटी माता, तो छोटी माता से बचाव का टीका है रूबेला वैक्सीन, क्या है रूबेला वैक्सीन। नेक्स्ट है जर्मन खसरा, तो जर्मन खसरा से बचाव का टीका है रूबेला वैक्सीन, क्या है रूबेला वैक्सीन।
अब हम लोग कांच के प्रकार एवं उसके उपयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे किस प्रकार के कांच का उपयोग किस में किया जाता है। इसमें फर्स्ट है प्रिंट कांच। तो प्रिंट कांच का उपयोग कैमरा दूरबीन और लेंस बनाने में किया जाता है। किस में? कैमरा दूरबीन और लेंस में किया जाता है। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच। तो पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। किस में? तो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। नेक्स्ट है सोडा कांच। तो सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट एवं बोतलों में किया जाता है। किस में? ट्यूबलाइट एवं बोतलों में किया जाता है। नेक्स्ट है क्राउन कांच। तो क्राउन कांच का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। किस में? विद्युत बल्ब बनाने में। नेक्स्ट है क्रूक्स कांच। तो क्रूक्स कांच का उपयोग धूप चश्मा के लेंस में। किस में? धूप चश्मा के लेंस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है पोटास कांच। तो पोटास कांच का उपयोग कांच के बर्तन बनाने में होता है। किस में? कांच के बर्तन बनाने में। नेक्स्ट है मृदु कांच। तो मृदु कांच का उपयोग परख नली बनाने में, किसमें? परख नली बनाने में। अब हम लोग पशुओं के गर्भ अवधि काल के बारे में डिस्कस करें। इसमें हम लोग जानेंगे कौन से पशु का गर्भ काल का अवधि कितना होता है। यहाँ पर एक साइड पशु का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड वहाँ उस पशु का गर्भ काल का अवधि दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट हाथी। तो हाथी का गर्भ काल होता है 630 दिन का। कितना? 630 दिन का। नेक्स्ट है घोड़ा। तो घोड़ा का गर्भ काल होता है 330 दिन का। नेक्स्ट है बाघ। तो बाघ का गर्भ काल होता है 155 दिन का। नेक्स्ट है कुत्ता। तो कुत्ता का गर्भ काल होता है 163 दिन का। नेक्स्ट है भैंस। तो भैंस का गर्भ काल होता है 300 दिन का। नेक्स्ट है ऊँट। तो ऊँट का गर्भ काल होता है 400 दिन का। नेक्स्ट है गाय। तो गाय का गर्भ काल होता है 284 दिन का। नेक्स्ट है बकरी। तो बकरी का गर्भ काल होता है 151 दिन का। नेक्स्ट है सुअर। तो सुअर का गर्भ काल होता है 114 दिन का। नेक्स्ट है गधा। तो गधा का गर्भ काल होता है 365 दिन। अब हम लोग दो रंगों के मिश्रण से बने रंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है लाल और नीला। तो लाल और नीला रंग मिलकर मेंजेटा रंग बनता है। फिर नेक्स्ट है लाल और हरा। तो लाल और हरा रंग मिलकर पीला रंग बनता है। नेक्स्ट लाल और नीला। तो लाल नेक्स्ट है हरा और नीला। तो हरा और नीला रंग मिलकर पीकॉक नीला रंग बनता है। नेक्स्ट है फिर लाल और पीकॉक नीला। तो लाल और पीकॉक नीला बनकर सफ़ेद रंग बनता है। नेक्स्ट फिर हरा एवं मेंजेटा। तो हरा और मेंजेटा रंग मिलकर सफ़ेद रंग बनाता है। नेक्स्ट नीला एवं पीला। तो नीला और पीला मिलकर सफ़ेद रंग बनाता है। नेक्स्ट लाल हरा एवं नीला। तो ये तीनों मिलकर सफ़ेद रंग बनाता है। अब हम लोग प्रमुख प्राणियों के जीवन काल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक साइड प्राणी का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरे उसका जीवन काल के बारे में बताया गया है। फर्स्ट इसमें हाथी। तो हाथी का जीवन काल होता है 47 वर्ष। नेक्स्ट घोड़ा। तो घोड़ा का जीवन काल होता है 27 वर्ष। नेक्स्ट बाघ। तो बाघ का जीवन काल होता है 19 वर्ष। नेक्स्ट कुत्ता। तो कुत्ता का जीवन काल होता है 16 वर्ष। नेक्स्ट भैंस। तो भैंस का जीवन काल होता है 20 वर्ष। नेक्स्ट ऊँट। तो ऊँट का जीवन काल होता है 20 वर्ष। नेक्स्ट गाय। तो गाय का जीवन काल होता है 18 वर्ष। नेक्स्ट है बकरी। तो बकरी का जीवन काल होता है 17 वर्ष। नेक्स्ट है सुअर। तो सुअर का जीवन काल होता है 14 वर्ष। नेक्स्ट है बिल्ली। तो बिल्ली का जीवन काल होता है 15 वर्ष। अब हम लोग गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल 1772 में बंगाल में दैत्य शासन का अंत किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्नवालिस। तो लॉर्ड कर्नवालिस ने 1739 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में राज हड़प नीति को लागू किया था। नेक्स्ट लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन करवाया था। नेक्स्ट विलियम बैटिक। तो विलियम बैटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था। नेक्स्ट लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना किया था। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्वराज पार्टी की घोषणा 1923 ईस्वी को हुई थी। कब? तो स्वराज पार्टी की घोषणा 1923 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया। किसने? तो चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया। नेक्स्ट कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कौन? तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी होते किस किसमें? तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट ड्यूस मार्क जर्मनी की मुद्रा है। किसकी? तो ड्यूस मार्क जर्मनी की मुद्रा है। नेक्स्ट औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी। किसको? तो औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट काली खांसी ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। किसके द्वारा? तो काली खांसी ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। नेक्स्ट भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। क्या? तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने 624 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था।
नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किसके? तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। किसका? तो सातवाहन वंश का शासक था। नेक्स्ट है द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। किसका? तो द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में शिव देवता के आकृति चित्रित थी। किसका? तो शिव देवता के आकृति चित्रित थी। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अलबुकक ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह में जीता था। कहाँ? तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह में जीता था। नेक्स्ट है विलय नीति के अंतर्गत झांसी सतारा और मैसूर भारतीय कब्जे में किए गए थे। कौन? तो विलय नीति के अंतर्गत झांसी सतारा और मैसूर भारतीय कब्जे में किए गए थे। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट है एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी नीलगाय क्या है? तो एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी नीलगाय है। नेक्स्ट है NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। कौन? तो NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। अब हम लोग RRB मुंबई में 2005 में पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में कहाँ? तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट है कुकी जनजाति मुख्यतः मणिपुर राज्य में रहने वाले हैं। क्या कहाँ? तो कुकी जनजाति मुख्यतः मणिपुर राज्य में रहने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रथम मुगल बादशाह जहांगीर था जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था। किसने? तो प्रथम मुगल बादशाह जहांगीर था जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था। नेक्स्ट है भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्र में होता है। कहाँ? तो भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्र में होता है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए नेपोलियन से सहायता मांगी थी। किसने? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए नेपोलियन से सहायता मांगी थी। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज दरबार के 8 महान कवि थे। कितने? तो 8 महान कवि थे। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। कब? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिवस को। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। क्या? तो शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है पूर्व में डूबता है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है। किसका? जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को जुलाई 1947 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब? तो 1947 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को सौंपता है। किसको? उपसभापति को सौंपता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। कौन? तो मौलिक अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। नेक्स्ट है पांड्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मदुरई था। कौन था? तो पांड्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मदुरई था। नेक्स्ट है मनसबदारी पद्धति शुरू करने वाला का प्रमुख उद्देश्य अभिजात वर्ग को शांत रखना था। क्या था? अभिजात वर्ग को शांत रखना। अब हम लोग RRC खड़गपुर में 2005 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है चकमा बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा एवं निवासी कौन? तो चकमा बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा एवं निवासी है। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय काठमांडू में कहाँ? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन रॉलेट एक्ट के पश्चात आरंभ किया। किसके पश्चात? तो रॉलेट एक्ट के बाद आरंभ किया था। नेक्स्ट है राउर केला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से बना। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में स्थित नाफ्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। कौन है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है जो लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट है डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र जमालपुर में अवस्थित है। कहाँ? तो डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र जमालपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहता है। कहाँ? तो भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहता है। नेक्स्ट है भारत आने वाला पहला अंग्रेज ब्रिटिश जलपोत रेड ड्रैगन था। क्या था? रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया। कब? तो 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। किसको मोहम्मद गौरी को हराया था? नेक्स्ट है डीजल इंजन के आविष्कारक जर्मनी के रुडोल्फ थे। कौन थे? जर्मनी
केरू डोल्फ। नेक्स्ट है हमदर्द के लेखक मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन? तो हमदर्द के लेखक मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट है 14 मार्च 1947 को माउंट बेटन भारत के वायसराय बनकर आया था। कि कौन? तो माउंट बेटन भारत का वायसराय बनकर आया था। अब लोग RRB अहमदाबाद में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है, अब लोग RRB अहमदाबाद में 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, DNA मानव रक्त का घटक नहीं है। किसका? तो DNA मानव रक्त का घटक नहीं है। नेक्स्ट, ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। किसका? ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। नेक्स्ट, नींबू का रस का pH मान लगभग 2.4 होता है। कितना? तो नींबू के रस का pH मान लगभग 2.4 होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट है रिचर्ड एंड बरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अंतिम अभिनय वेन किंग्सले ने किया था। किसने? वेन किंग्सले ने किया था। नेक्स्ट है सिंकोना ब्रिज विषुवातीय वनों में पाई जाती है। कहाँ? तो सिंकोना ब्रिज विषुवातीय वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है रंगून इरावती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? तो रंगून इरावती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है पाक स्टेट यानी कि पाक जल जलड मेरु मध्य तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। किससे? तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट है PIO का पूर्ण रूप है पेरेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या है? पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है। नेक्स्ट है एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10²³ प्रति मोल होता है। क्या होता है? प्रति मोल होता है। नेक्स्ट है कोणीय वेग का सही इकाई रेडियन पर सेकेंड है। क्या है? कोणीय वेग का सही इकाई रेडियन पर सेकेंड है। नेक्स्ट नेक्स्ट है रक्त अल्पता खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। किससे? निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत पालक है। क्या है? पालक है। नेक्स्ट है EMI पद सेल्यूलर फोनों में संबंधित है। किससे? तो EMI पद सेल्यूलर फोनों से संबंधित फोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के पास सुखोई वायुयान वाहक क्या है? तो भारतीय नौसेना के पास सुखोई वायुयान वाहक है। नेक्स्ट है पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुई। कब? तो पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुई। नेक्स्ट है शहर का मुख्य अवयव फ्रुक्टोज है। क्या है? शहद का मुख्य अवयव फ्रुक्टोज है। अब हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है अमेरिकी संविधान 1789, तो इससे लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन मौलिक अधिकार राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता स्वतंत्र न्यायपालिका ये सारे अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान, तो कनाडा का संविधान से संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई है। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान, तो आयरलैंड का संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया गया है और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ली गई है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संविधान, तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था विधि निर्माण प्रक्रिया एकल नागरिकता राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ये सारे लिए गए हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी जर्मनी का संविधान, तो पश्चिमी जर्मनी के संविधान से आपातकाल का उपबंध लिया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका संविधान, तो दक्षिण अफ्रीका संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति ली गई। क्या? संविधान संशोधन की पद्धति ली गई है। नेक्स्ट है सोवियत संघ का संविधान, तो सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। क्या? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी संविधान, तो फ्रांसीसी संविधान गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से लिया गया। क्या? तो फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का संविधान, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना समवर्ती सूची शक्ति विभाजन ये सारे कुछ लिया गया है। नेक्स्ट जापान का संविधान, तो जापान के संविधान से अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया। क्या? अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है। लोग भारतीय संविधान की अनुसूचिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लोग जानेंगे कि कौन सी अनुसूचिया की क्या विशेषता है। इसमें फर्स्ट है पहली सूची है अनुसूची है संघ एवं राज्यों का उल्लेख। पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट दूसरी, तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा विधानसभा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के वेतन से संबंधित है। नेक्स्ट है तीसरी, तो तीसरी अनुसूची व्यवस्थापिका के संसद मंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों के लिए शपथ लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का स्वरूप से संबंधित है। नेक्स्ट चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के में स्थानों के आवंटन बंटवारा का उल्लेख से संबंधित है। नेक्स्ट पांचवी, तो पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट छठी, तो छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम
में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है सातवीं, तो सातवीं अनुसूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूची से संबंधित, किससे? संघ राज्य तथा समवर्ती सूची से संबंधित है। नेक्स्ट है आठवीं, तो आठवीं अनुसूची भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है, संबंधित किससे? तो भारत आठवीं अनुसूची भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख से संबंधित है। नेक्स्ट नौवीं, तो नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित, किससे? भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट ग्यारहवीं, नेक्स्ट दसवीं, तो दसवीं अनुसूची दल बदल निरोधक संबंध, किससे? तो दल बदल निरोधक उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट ग्यारहवीं, तो ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज से, किससे? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट बारहवीं, तो बारहवीं अनुसूची न्यायपालिका से, किससे? न्यायपालिका से संबंधित है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और भी जितने भी रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर बचे हुए उसका हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।